दोस्तों यह है टेक्नो स्पार्क 10 प्रो जिसका डिजाइन दोस्तों काफी जबरदस्त है। लगभग एक महीना पहले इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग मैंने इस चैनल पर अपलोड किया था और आज के इस वीडियो में आफ्टर वन मंथ इस मोबाइल का रिव्यू शेयर करने जा रहा हूं। यानी एक महीना चलाने के बाद इस मोबाइल का यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इस मोबाइल में 5 ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से इस फोन को लेना चाहिए। लेकिन जैसे कि पता है भाई, हर एक फोन बेस्ट नहीं होता है हर एक तरीके से, तो इस फोन में भी आपको 3 नेगेटिव पॉइंट को मिलता है, वो भी भाई शेयर करूंगा आज के इस वीडियो में। यानी कंप्लीट डिटेल्स होने वाला है, लेना चाहिए ये फोन या फिर नहीं लेना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले लाइक का टारगेट सेट करते हैं भाई 700, कंप्लीट करवा दो। तो सबसे पहले इस फोन का 5 पॉजिटिव पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेगेटिव पॉइंट भी जानेंगे। तो नंबर 1, इस फोन का डिजाइन। देखिए ये फोन दोस्तों देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिस बजट में ये फोन आता है, 12,500 में मार्केट में लॉन्च किया गया है, उस बजट में दोस्तों इस फोन का डिजाइन काफी तगड़ा है। ऐसा डिजाइन आपको इस बजट में मार्केट में किसी भी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में जो कैमरा पैनल है दोस्तों वो भी थोड़ा थोड़ा आईफोन के जैसा लगता है, और साथ में यहां पर बैक साइड में दोस्तों आपको ग्लास दिया गया है जो कि इस बजट में किसी भी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता है ऐसा डिजाइन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों इसका फ्रंट व्यू भी काफी अच्छा लगता है, सेंटर कंसोल के साथ आपको मिलता है। और हम लोग जब कोई फोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन देखते हैं, तो भाई डिजाइन के मामले में ये फोन पास हो जाता है। नंबर 2, इस फोन का रैम और इंटरनल स्टोरेज। देखिए दोस्तों 12,500 में आया है, इस फोन में आपको 8GB का रैम मिलता है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। यानी रैम और रोम में भाई कोई कमियां नहीं रखा है, यहां पर 8GB का वर्चुअल रैम भी मिल जाता है। तो जिसको रैम और रोम का टेंशन रहता है ना भाई, कम मिलता है, तो इस फोन में आपको वो नहीं मिलने वाला है, आपको भर के देता है भाई रैम और रोम। नंबर 3, काफी सारा कस्टमर होता है भाई एंड्रॉइड 12 मिल गया मुझे, एंड्रॉइड 11 मिल गया, लेटेस्ट वर्जन आना चाहिए, एंड्रॉइड 13 होना चाहिए, तो भाई इस फोन में आपको एंड्रॉइड 13 मिलता है, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स, अपडेट का वेट करने का जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको हाई ओएस देखने को मिलता है, तो लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जिसकी वजह से आपको टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं। नंबर 4, इस फोन का सेल्फी कैमरा। भाई इस फोन का सेल्फी कैमरा में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है विद पंचोल के साथ, तो इस बजट में जितना सारा फोन आता है 8 मेगापिक्सल या फिर ज्यादा से ज्यादा भाई 16 मेगापिक्सल ही दे पाता है, लेकिन इस फोन में दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है दोस्तों। और सच में बताओ, इसका सेल्फी फोटो काफी अच्छा निकाल के देता है। इसका भाई कैमरा टेस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अनबॉक्सिंग वीडियो जाके देख लेना। एक्चुअली में यहाँ पर कैमरा भाई सेल्फी काफी अच्छा है बजट के हिसाब से। नंबर 5, इस फोन का डिस्प्ले। देखिए फोन का डिस्प्ले में दोस्तों बेजेल या फिर चीन भाई ना के बराबर है। देखने में ये फोन फ्रंट से तो काफी जबरदस्त लगता है, पंचोल मिलता है, लेकिन ये डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला एक एलसीडी पैनल है दोस्तों, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। आउटडोर में मैंने इसको टेस्ट भी किया है, 580 निट्स का ब्राइटनेस भी मिल जाता है। यानी यहां पर डिस्प्ले भाई एक कंप्लीट पैकेज है। तो ये था 5 पॉइंट जिसके वजह से आपको ये फोन लेना चाहिए, लेकिन अब 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि इस फोन का नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो। नंबर 1, इस फोन का बैटरी डिपार्टमेंट। काफी सारा भाई कमेंट कर रहा था भाई बैटरी ड्रेन का टेस्ट लाओ, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि बैटरी बैकअप कैसा है और साथ में चार्जिंग वगैरह क्या मिलता है। देखिए 5000mAh का बैटरी मिलता है दोस्तों, इसको मैंने आराम से टेस्ट करके देखा है, आराम से भाई एक दिन का बैटरी निकाल के देता है, बैटरी बैकअप निकाल के देता है, कोई इशू देखने को नहीं मिला है मुझे। लेकिन मुझे यहां पर जो कमियां देखने को मिला वो है भाई, फर्स्ट चार्जिंग थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था। 18W का चार्जर मिलता है दोस्तों, मुझे लगता है 33W का अगर हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इस बजट में ज्यादातर फोन में हमें 33W का चार्जर देखने को मिलता है, और क्योंकि ये फोन 4G है तो भाई ये तो होना ही चाहिए था भाई, यहां पर 33W देना चाहिए था, बट आपको मिलता है 18W का चार्जर, तो ये मुझे पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। नंबर 2, इस फोन का चिपसेट यानी प्रोसेसर। देखिए मीडियाटेक हेलियो G88 का चिपसेट है दोस्तों, जो कि एक अच्छा चिपसेट है, इस बजट में आपको हर एक काम करके देगा, चाहे आप मतलब डे टू डे काम करो, सोशल मीडिया टाइम बिताओ, यूट्यूब कॉन्टेंट वगैरह देखो, कोई दिक्कत आपको नहीं देने वाला है। लेकिन आप अगर हेवी गेमर हो, आप हेवी गेमिंग करते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि दोस्तों G88 12,500 में मुझे सही नहीं लगा। इस बजट में दोस्तों अगर आपको 4G फोन लेना है तो G96 या फिर G99 आपको मिल जाता है, जो कि काफी सारा फोन में अवेलेबल है, तो वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा गेमिंग के मामले में। नंबर 3, इस फोन का कैमरा यानी सेल्फी नहीं भाई, बैक कैमरा। बैक साइड में जो कैमरा है दोस्तों 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा है, बट मेन सेंसर 50MP है, बाकी का 2 सेंसर तो भाई बेकार है। तो इसका जो फोटो है दोस्तों आपको
आपको एवरेज सा निकाल के देता है। इस बजट में काफी सारा और भी फोन है जो कि इससे बेटर फोटो निकाल के देता है, जैसे कि पोको M4 प्रो जो 4G वाला है वो बेटर फोटो निकाल के देता है। 64 मेगापिक्सल है, यहाँ पर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का बैक साइड में कैमरा। आपको एक अच्छा कैमरा तो नहीं कहूंगा, एवरेज कैमरा कहूंगा, मतलब आपका काम चला के देगा ऐसा कैमरा यहाँ पर मिलता है। यह था दोस्तों इस फोन का फुल रिव्यू आफ्टर 1 मंथ, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इससे आपको ये पता चले कि ये फोन आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, मैंने आपको क्लियर बता दिया। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ऐसा जबरदस्त वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। मैं मिलता आपको अगला कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।